कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे कारवां टीवी चैनल में, मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज नवाबगंज पर, नवाबगंज से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर दिल्ली से कूच करने के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ते में ही पुलिस बल ने यहां पर रोक दिया है। हमारे सामने देख सकते हैं, पीछे किसानों का, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जत्था निकल के जा रहा है, जो बराबर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहा है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, पुलिस ने फिलहाल इनको रोक दिया। कहाँ तक जा रहे हैं आप? यही दिल्ली तक जाएंगे। तो यहाँ पर आपने पुलिस की निगाहबंदी में है, नजरबंदी में है? कोई दिक्कत नहीं पुलिस से। अभी हम पीछे आपको दिखाएंगे कि भगवत शरण जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जत्था जो है भगवत शरण जो मंत्री जी हैं, जो सपा से मंत्री हैं भगवत शरण, ये देखिए पीछे मेरे यहाँ पर चेयरमैन साहब जो सीतल से युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, ये भी हमारे इस पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं चेयरमैन? आज हम लोग भगवत शरण उम्मीदवार के नेतृत्व में जो लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, किसानों का बिल्कुल गला घोटने का काम कर रही है, तो आज किसानों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में आज तहसील स्तर पर ट्रैक्टर रैली करके सरकार को चेताना चाह रही है कि किसानों की समस्याओं को जल्द से खत्म करें, ये काला कानून वापस ले। तो देखिए आप, ये नगर पंचायत सेतल के चेयरमैन हैं और मेरे साथ में मंत्री जी हैं, यहाँ पर मंत्री जी को भी दिखाएंगे। छोला के आखिरी किनारे तक। आखिर कहाँ के लिए निकले थे आप? आज गणतंत्र दिवस भी है और किसानों के सम्मान के लिए यह किसान रैली भी है। अच्छा, और दिल्ली में तो जो हो रहा है पूरा देश जानता है, अब ये लड़ाई नवाबगंज से शुरू होकर बरेली में दिल्ली की तरह लड़ाई होगी। तो देख लिया आपने, ये थे हमारे विचार, मान्य जो सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगोह। देख लीजिए ये कारवा जो है यहाँ का, सपा का कारवा कहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पर पल पल की अपडेट। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।